खबर राजधानी लखनऊ से, जहां नाबार्ड में राज्य ऋण संगोष्ठी 2022-23 का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि बाहुल्य इलाकों में काम कर रहे बैंक किसानों की मदद करके देश की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में यहाँ पर कृषि आधारित कामों में आसान तरीके से ऋण उपलब्ध कराकर विकास को नया आयाम दिया जा रहा है। ये बातें प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी में कही, आप भी सुनिए। 70% हो गया है और चांदक साहब ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 64% हो गया, बहुत अच्छा लगा। मैंने पीछे रखा था टारगेट, जब बैठक की थी मैंने हमारे SLBC के, मैंने रखा था कि कम से कम पहले 60% चले, और हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि देश का जो हमारा ओवरऑल 78% है वहां पहुंचने की जज्बा रखे, कि उत्तर प्रदेश में असीम संभावना है। तो मैं पहले तो बधाई देना चाहूंगा चांडक साहब को और SBI की पूरी टीम को, ये आप 60% के मार्क को आप ऊपर कर चुके हैं, और मैं यही अपेक्षा करूंगा यहाँ बहुत सारे DGM और GM और तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारी अन्य बैंकों के हैं, या हमारे RBI के बालू साहब है, कि आप सबसे मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारा तुरंत कोशिश होना चाहिए कि 60% हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए। लेकिन 60% बाद हमारा पहला पड़ाव जो है वो नेशनल जो एवरेज है 78% के आसपास वहाँ पहुँचना चाहिए, और वो करने के लिए क्या करें हमें देखना होगा। आपने खुद बताया कि हमारे वेस्ट में तो ये CND रेशियो बहुत ज़्यादा है और पूरब में कम है, ऐसे तमाम सारे जिले जहाँ पे तो 40% के आसपास है, तो हमें वहाँ क्या करें ये सोचने की बात है। वहाँ हमारा फोकस हम कैसी किस प्रकार की व्यवस्था करें, यहाँ पे हमारे हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर साहब हैं, इनको मैंने एक टास्क दिया था कि पूरब के जनपदों को जब आप जाकर के देखिए, चाहे वो बलिया हो, गाजीपुर हो, जौनपुर हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, गोरखपुर हो, महाराजगंज, ये सब सारे जिलों में देखिए पानी ही पानी है। अभी मैडम घोष बोल रही थी कि पानी तो है उत्तर प्रदेश में, गंगा, ये गंगा जी का किनारा है, गंगा जी का द्वाब है, आप यहाँ पे कह रही थी कि पानी है, लेकिन बहुत जगह पानी कम भी है। लेकिन आप पूरब में जाइए तो पानी अफरात है, इतने बड़े बड़े तालाब हजार हजार एकड़ के, दो दो हजार एकड़ के आपको वाटर बॉडीज मिलती है। क्या हम वाटर को ही अपनी इकोनॉमी का अग्र नहीं बना सकते, वाटर बेस्ड इकोनॉमी? दुनिया में ऐसे तमाम सारे उदाहरण है, मैं अपने गांव जा रहा था और मैंने देखा इतने कमल खिले हुए थे, पकड़ी के ताल में इतने कमल खिले हुए थे, देख के मेरा मन खुश हो गया, उधर से गुजरते हुए मन खुश हो गया। मुझे ध्यान आया ककनहाफ नीदरलैंड्स का, जहाँ पे वो ट्यूलिप्स का जो है वो एक गार्डन है, और ट्यूलिप्स का गार्डन अरबों बिलियंस डॉलर्स की इकोनॉमी वहां पे प्रोड्यूस करता, ट्यूलिप का गार्डन, दुनिया भर से लोग आते हैं वहां, और यहाँ इतने कमल के फूल खिले, और वो वैसे ही जैसे कि कुछ लोग अपने पूजा चढ़ा दिए, कुछ यहाँ वहां कर दिए और उसके बाद खत्म, कोई अर्थव्यवस्था में फर्क नहीं है। कैसे हम वहां के यूथ को पानी के साथ जोड़ करके, पानी में इतनी असीम सारी संभावनाएं हैं, पानी को लेकर हॉर्टिकल्चर, पानी को लेकर के फिशरीज, पानी को लेकर के टूरिज्म, पानी को लेकर के बहुत सारी चीजें, क्या हम उसे नहीं कर सकते? तो पूरा का पूरा हमारा ईस्टर्न यूपी जो है वाटर बेस्ड इकोनॉमी, और उसमें आपको बैंक को भी रोल अदा करना, तो बैंक का रोल केवल इतना ही नहीं है कि आपने लोन दिया और लोन देकर के आप बेनिफिशियरी हो गए, नहीं, बैंक का लोन है कहां पे किस डायरेक्शन में देना। इनफैक्ट बैंक वो क्रेडिट लेसन नहीं खोल पाते क्योंकि कम से कम उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए जिससे कि वो पे कर सके 3-5 दिन में, जो कि गवर्नमेंट की मंशा है, उनको वर्किंग कैपिटल मिलने में बहुत कठिनाई आती है, इसको हमें दूर करना पड़ेगा। दूसरा ये फिर बनेगा कि केवल हम उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिसने 6% इंटरेस्ट कन्वेंशन दिया है पोस्ट हार्वेस्ट के लिए FPOs को भी और एग्री एंटरप्रेन्योर्स को, कोई भी किसान अगर एग्री एंटरप्रेन्योर बनता है उसको 3% केंद्र सरकार का, 3% राज्य सरकार का, कोई राज्य नहीं है मेरे पास, मैं गारंटी से कैसे, तो हो सकता है बाद में जुड़ गए हो, कोई नहीं है। 6% इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब 2.5-3% लोन, आपका प्रोजेक्ट तो वायबल हो ही गया, और फिर भी अगर हम लोग नंबर वन और तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं तो कुछ दिक्कत है जिसको हमें दूर करना होगा, मिलकर दूर करना होगा। और इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, जैसे सोलर पंप का अगर कोई लोन ले रहा है वो भी AIF में एलिजिबल है, मैकेनाइजेशन का लोन ले रहा है वो भी AIF में एलिजिबल है, आप फूड प्रोसेसिंग पोस्ट हार्वेस्ट का लोन दे रहे हो
भी अगर हम लोग टीआरएस की परिधि में ले आए तो हमारा टारगेट भी पूरा होगा, आपका लोन वायबल हो जाएगा क्योंकि 6% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा और हम लोग भी अपनी योजना के और केंद्र सरकार के सारे डेट का पेट सकेंगे। तो ये तीन चार चीजें मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इस पर ध्यान दे दें और इसको अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों का जो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़ेगा और हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स की इनकम बढ़ा सकेंगे और जीडीपी में हमारा चैलेंज जो है 1 ट्रिलियन का जिसमें एग्रीकल्चर में जो टारगेट है वो हम पूरा कर सकेंगे। मुझे इतना ही कहना है और बाद में जब प्रेजेंटेशन होगा तो मैं और भी बात करूंगा। लोन दिया और तीसरा जो लाभ होता है कि जब एग्रीकल्चर सरप्लस का हाउस होल्ड का बढ़ता है तो डिमांड सर्विस और इंडस्ट्री की बढ़ती है तो उसका भी ग्रोथ तभी होगा जब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड हमारी 60% वर्क फोर्स हो, 70% वर्क फोर्स हो, गाँव में बैठी है जब तक उसकी निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी लगभग 59% वर्क फोर्स एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, 25-26% 24% जीडीपी का स्टेट जीडीपी का भी योगदान एग्रीकल्चर से है। और जहाँ हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो यद्यपि सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ेगा लेकिन एग्रीकल्चर का स्टेट अभी कम से कम 10-15-20 साल मेजर मेनस्टेयर रहेगा वर्कफोर्स में भी और जीडीपी में भी। इसीलिए एग्रीकल्चर पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है बैंकर्स को। दूसरी बात है कि हम एग्रीकल्चर पे लोन करते हैं चाहे शॉर्ट टर्म लोन दें क्रॉप लोन के माध्यम से या पोस्ट हार्वेस्ट पे वैल्यू एडिशन पे लोन दें तो उससे दोहरा लाभ होता है। तो ये अप्रिशिएट करने की बात है। दोहरा लाभ क्या होता है कि सबसे पहले तो प्रोडक्शन बढ़ता है एग्रीकल्चर का, वैल्यू एडेड प्रोडक्शन बढ़ता है और जब हम पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं तो प्राइस रियलाइजेशन के साथ का जो लॉसेस कम होते हैं तो बात के लिए स्टेटस पे लॉसेस कम होते हैं। नमस्कार, आज हमने स्टेट फोकस पेपर का रिलीज़ करवाया चीफ सेक्रेटरी साहब के हाथों से। ये स्टेट फोकस पेपर है क्या? नाबार्ड 1890 से एक बड़ा एक्सरसाइज करता है जिसमें क्रेडिट पोटेंशियल स्टेट का असेसमेंट करता है और ये शुरू होता है हमारा ब्लॉक लेवल से। हर एक्टिविटीज़, हर सेक्टर, सब सेक्टर का फिजिकल यूनिट्स कितना हो सकता है अगले आगामी साल में, उसको लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट कॉस्ट स्केल ऑफ फाइनेंस से और इससे असेसमेंट होता है ब्लॉक लेवल में कितना पोटेंशियल है क्रेडिट का, एग्रीकल्चर क्रेडिट, एमएसएमई के लिए क्रेडिट, प्रायोरिटी अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए क्रेडिट जो कि आपका एजुकेशन, हाउसिंग, जो आपका ग्रीन फाइनेंसिंग, ये सबको लेके हम असेस करते हैं ब्लॉक लेवल में और ब्लॉक लेवल से हम फिर पूरा डिस्ट्रिक्ट का असेस करते हैं जिसको डिस्ट्रिक्ट पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान करते हैं। और ये एक्सरसाइज पूरा उत्तर प्रदेश का 75 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने कर चुके हैं और फिर इसको लेके 75 डिस्ट्रिक्ट्स का जो क्रेडिट पोटेंशियल है उसको लेके एग्रीगेट करके हम स्टेट क्रेडिट प्लान बनाते हैं। तो पूरा स्टेट में 23-24 में जो प्रायोरिटी सेक्टर का कितना पोटेंशियल है और इस साल का ये 23-24 का ये आंकलन है कि पूरा स्टेट में 3.75 लाख करोड़ का क्रेडिट का पोटेंशियल है। और ये हमने इतना साइंटिफिक प्रोसेस में किया है कि जो हमने फिजिकल यूनिट और फाइनेंशियल यूनिट कॉस्ट लेके निकाला पहले, उसको हमने फिर फाइन ट्यूनिंग करते हैं कि कितना क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी क्या है, फ्यूचर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड होगा और फिर हम इसको अनदर पैरामीटर यानी कि बैंकिंग सेक्टर का क्षमता को लेके भी फाइन ट्यूनिंग करते हैं, कितना ब्रांचेस है, मैन पावर है और कितना क्रेडिट डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये सेकेंड फैक्टर है जिसमें हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं। और तीसरा ये है कि पुराना या पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में भी फिर फाइन ट्यूनिंग करते हैं। और ये समस्त के बाद हमारा पूरा स्टेट का 3.75 लाख करोड़ का पोटेंशियल असेसमेंट हुआ है और ये पूरा बैंकिंग सेक्टर इसी को यूज़ करके अपना एनुअल क्रेडिट प्लान करेंगे और फिर डिसेंट्रलाइज क्रेडिट प्लानिंग होता है हर ब्रांच का, एनुअल क्रेडिट प्लान क्या होगा, बैंक का क्या होगा, इसी तरह का प्लानिंग करके फिर हमारा प्रायोरिटी सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ने प्रायोरिटाइज किए हैं कुछ सेक्टर, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल है, रिक्वायरमेंट है फॉर नेशन बिल्डिंग और क्रेडिट इसी सेक्टर में पूरा एग्रीगेटेड नेट बैंकिंग क्रेडिट का 40% जाना चाहिए।
इसके अलावा हम ये सेमिनार में कुछ मुद्दे जो है स्पेशली जो एफपीओ के को फॉर्म कर रहे हैं, हम एफपीओ को कैसे क्रेडिट लिंक करेंगे, एसएचजीस को कैसे क्रेडिट लिंक करेंगे, फिर हमारा जो छोटे किसान के लिए है केसीसी को कैसे हम और भी मतलब फार्मर्स फ्रेंडली बनाएंगे और ज़्यादा फार्मर्स को केसीसी माध्यम में हम ऋण देंगे, एग्रीकल्चर क्रेडिट देंगे, और फिर हमने ये कितना क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है और फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट है, जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसको यूटिलाइज करके स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट इसको हम सॉफ्ट लोन असिस्टेंस सॉफ्ट लोन सब इंटरेस्ट रेट में देते हैं, और इसको लेके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए डैम बनता है, रोड कनेक्टिविटी बनता है, ब्रिजेस बनते हैं, स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तमाम 39 एक्टिविटीज़ में ये फंड यूटिलाइज करके लेवरेज करके स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो जिससे क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज होता है। तो और कुछ मुद्दे जैसे कि हम देश का सीडी रेशियो को, प्रदेश का सीडी रेशियो को कैसे बढ़ाएंगे, और हम कैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बैकवर्ड एरियाज जैसे कि ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, बुंदेलखंड को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कैसे पहुंचा पाएंगे, और हम जो पर कैपिटा क्रेडिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि क्रेडिट वाइडनिंग, क्रेडिट डिपेंडिंग कैसे करा सकते हैं। अभी स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ऑल सेक्टर्स में बहुत सारा इंटरवेंशन हो रहा है, सो ये अपॉर्चुनिटीज़ है बैंकिंग सेक्टर को कि ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके क्रेडिट को उपलब्ध कराएं, सो दैट उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। ये गवर्नमेंट का प्रयास, बैंकिंग सेक्टर का प्रयास, ऑल स्टेक होल्डर्स के प्रयास से ये हम अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकते हैं और बहुत ऊंचाई तक इसका डेवलपमेंट ले सकते हैं। ये हमारा बैंकिंग सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करने से ये पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच। राजधानी लखनऊ से टीवी 24 के लिए स्पर्श गुप्ता की रिपोर्ट।